किसी भी वीडियो का ये अच्छा स्टार्ट नहीं है, बट अगर आप इंडिया से हैं या कहीं और से हैं और अपनी कंट्री के इस जेट स्प्रे को मिस कर रहे हैं, तो मैंने अभी अभी इंस्टॉल करा है एंड मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपको भी कनाडा में ये टिश्यू पेपर से प्रॉब्लम हो रही है और आपको जेट स्प्रे चाहिए इंडिया वाला, तो आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हार्डली $40 का है, मैंने अमेजोन से मंगाया है। एंड अभी पहले मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ कि ये बॉक्स है, इसमें ये सारे कॉम्पोनेंट्स आते हैं इसके। अब कंपोनेंट्स किस तरीके से इंस्टॉल करने हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो ये रही आपकी टॉयलेट सीट। इसमें नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वॉल्व होता है। अभी ये मेरी आफ्टर इंस्टॉलेशन वाली है, बट सेम ऐसा ही एक वॉल्व होता है जो ऊपर की तरफ फिटेड होता है। तो आपको उस वॉल्व को खोलना है। सबसे पहले तो नीचे जैसे पानी का प्रेशर है, यहाँ पर आता है पानी का प्रेशर, इसको ऑफ कर दो। ऑफ करने के लिए इसमें टेस्ट कर सकते हो, जैसे पहले आप फ्लश आउट कर दो, उसके बाद उस नॉब को ऑफ करो। ऑफ करने के बाद ये वापस रीफिल नहीं होगा, तो आपको श्योरिटी हो जाएगी कि पीछे से पानी बंद हो चुका है। तो ऑफ करने के बाद आपको वो वॉल्व ओपन करना है, ये वाला, और जो किट में ये टी वाला वॉल्व था उसकी जगह वो टी वाला वॉल्व लगाना है। ये हाथों से ही लग गया, मेरे को किसी भी टूल की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद दो ओपन स्पेस मिल जाएंगे आपको, एक ये और एक ये। तो जो पहले से लगा हुआ था वो नीचे वाले में फिट कर दो, और जो आपका वॉशर वाला है, ये जो पाइप आ रही है, ये लेफ्ट साइड में फिट कर दो। एंड उसके बाद नीचे से प्लग को फिर से ऑन कर दो। जितना सुनने में सिंपल है उतना ही सिंपल है एक्चुअल में, एंड ये आपका काम करने लग जाएगा। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है जो यहाँ पर लोग बोलते हैं टिश्यू पेपर से प्रॉब्लम होती है। अगर एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है तो अमेजोन पर जाओ, $40 का मिलेगा। इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है, किसी भी टूल की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।